एक ओंकार गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब बागपत। देखो जी दोनों भीर आया सी। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब नौवीं पातशाही। संगत जी अज असी तुहानू दर्शन करावांगे गुरु की कृपा दे नाल, जो कि दिल्ली तो शीश चल के भाई जैता जी द्वारा लियाया गया सी, जो कि पहला पड़ाव बागपत विच होया सी। वाहे गुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी, आप जी के पावन पवित्र स्थान सतखंड गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब बागपत विखे सच्चे पातशाह जीओ। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, आप जी के पवित्र चरणा कमला विच अरदास बेनती है सच्चे पातशाह जीओ। आप जी के दर कर देश सच्चे पातशाह जीओ, भाई बलजीत सिंह जी, भाई मनदीप जी सच्चे पातशाह जीओ। आप जी के दर के सच्चे पातशाह जी अरदासा बेनती करवाए सच्चे पातशाह जीओ। परिवार वालों जिस जिस मनु भावना लेके सच्चे पातशाह जी अरदासा बेनती करवाए सच्चे पातशाह जीओ। इन्हां दी हर मनोकामना पूर्ण इच्छा पूर्ण करनी सच्चे पातशाह जीओ। परिवार नु सुख शांति बख्शिश करनी, चढ़दी कला वाला जीवन व्यतीत करावना, दुखा कलेशा दा नाश सुखा दा प्रकाश करना सच्चे पातशाह जीओ। मेहर करनी दया करनी सच्चे पातशाह जीओ। अंग संग होय के सहायता करनी सच्चे पातशाह जीओ। सही प्यारे मेर जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरपत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सात संगत जीओ, अज बागपत विखे भाई जेता जी, जो कि 11 नवंबर 1675 नूं श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी नूं चांदनी चौक शहीद कर दिता गया सी, उस वेले दे हुकमरान औरंगजेब का सख्त हुक्म सी कि नौवे गुरु जी का तड़ते शीस होएगा नहीं, ते जिसने कोशिश की उस नूं सख्त सज़ा मिलेगी, ते जान ते मार दिता जाएगा। इस डर दे कारण उस टाइम उत्थों मौजूद लोगों विचों किसी भी गुरु जी दे धड़ते सी जो जमीन ते दूर दूर पए सन चुकण दी हिम्मत नहीं कीती। उस वेले दे भाई जेता जी ने इस सेवा लई अपने आप नूं रोक नहीं पाए, ते मुगल हुक्म दी परवाह ना करदे होवे भी हिम्मत कीती, ते गुरु साहिब जी दे शहीद कीते सीस नूं चुक के लै आए, ते फिर आनंदपुर साहिब वल चाले पा दिते। पहली रात भाई जेता जी ने चांदनी चौंक तो 38 किलोमीटर का पेंडा तय करके बागपत विखे ठहराव किया। ये अस्थान उन्हां दी ठहराव की याद विच बनाया होया है कि जेड़ा शानो पाए जेता जी दी अणमुखी सेवा दी याद दे नाल उन्हां दी अपने गुरु प्रति अपार श्रद्धा सिमरन ते हिम्मत नूं दर्शाउंदा होया साडे सारियां लई प्रेरणा दा स्रोत है। सारी संगत दा धन्नवाद है जी, इत्थे सारी संगत ने आके दर्शन करो ते गुरु साहिब जी दी अपार कृपा आप उत्ते उत्ते होंगी सच्चे पातशाह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। की नाम है तुहाडा भैन जी? उमा रानी जी। हां जी भैन जी, थोड़ा कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, गुरुद्वारे के पिछू कहना चाहते हैं, गुरुद्वारे कुछ बई बन जाए साडा गुरुद्वारा, काफ़ी साल हो गए ने इस तरह का, इस तरह ही हैगा। जब दी मेरी शादी हुई है तां दा असीं देखण लगे, असीं थोड़ा बहुत हुण चेंज करवाया बनवाया, वैसे इन्ना है नहीं इत्थे गुरुद्वारे च इन्ना। वाहिगुरु जी, ये भैन जी रिक्वेस्ट कर रहे ने संगत नूं भी बागपत विच गुरुद्वारा इतिहासी है जिथे भाई जैता जी ने शीश दा पहला पड़ाव कीता सी। हाँ जी भैन जी रिक्वेस्ट कर रहे ने साडे एक भी इत्थे सेवा कीती जाए संगत जी, क्योंकि जो दूसरा पड़ाव तरावड़ी विच कीता गया है ओह इतिहास विच बहुत वड्डा गुरुद्वारा साहिब है। हाँ जी उत्थे संगतां ने बहुत सेवा कीती है। मैं संगत तो बेनती करदा संगतां तो भी इसी स्थान ते भी सेवा कीती जाए। गुरुद्वारा बागपत जो कि इतिहासिक गुरुद्वारा है। सतनाम वाहे।